अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो, गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। क्या भैया, अब तो ये शटल भी आपको टपली मार के बोल रही है कि ध्यान अपनी बीवी पर नहीं मुझ पर रखो। अभी आओ ना, आप भी खेलो। नहीं नहीं समर भैया, आप लोग खेले। वैसे भी मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छे से नहीं आता। अभी नहार भैया है ना, सिखा देंगे आपको, आओ। नहीं नहीं आप लोग खेलिए। रूही आ जाओ, एक बार ट्राई तो करो, आ जाओ। इस बैडमिंटन को ना क्या बात है नहार भैया, हमें तो कभी इतने प्यार से खेलना नहीं सिखाया। मासी नहार मजा रूही मामी, नहार मजा रूही मामी। हे आशी, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ, आप तो रूही मैम से लव करते होंगे ना, आप उनके हस्बैंड जो हो, और हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे प्यार करते हैं ना। बड़ी दादी अम्मा बन रही हो तुम, अब कल एग्जाम है ना, जाओ जाके पढ़ाई करो, चलो चलो चलो। ओके मामू। चलो रूही सर्विस करो, चलो। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से नहीं आता। कोई बात नहीं, पहली बार था, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, चलो ट्राई करो फिर से। कहा मैं इन दोनों को अलग करने की प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रही हूँ, पर ये दोनों एक दूसरे से चुपक की तरह चिपकते जा रहे हैं। अरे ये जूही कहाँ है? नाश्ते के लिए नहीं आई? अभी तक सो रही है क्या? जी वो कॉलेज चली गई, बोली खाना वहीं कॉलेज में ही खा लेगी। कॉलेज चली गई? अरे अभी आधे घंटे पहले तो सो रही थी, इतनी देर में कॉलेज चली गई? हाँ तो आप जानते नहीं है क्या अपनी जूही को, कैसी है वो? जैसे ही आप गए झट से तैयार होकर भाग गई। आपकी परवरिश के चलते ये जूही और पिंकू दोनों बिगड़ गए। जूही भी कल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का बोल के गई थी और अभी तक आई नहीं। प्रतीक के पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। जी मनोरमा जी ने आपके लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर दी। जाओ।
कौन है पूनम? चिट्ठी आई है जी। चिट्ठी? आजकल के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है पूनम? वो चिट्ठी से मेरा मतलब था बिजली का बिल आया है। आप भी ना पूनम, बिजली का बिल। मेरा पिंडा थोड़ा सा खा ले, पनीर के पराठे बनाए। दादी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे बेटा सुन तो, इस पलक की वजह से हमारा पिंग जिंदा लाश बन गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रतीक के पापा, हमें ना जल्द से जल्द पिंगू की दूसरी शादी के बारे में सोचना ही चाहिए। बस अपनी पिंकू की दूसरी शादी तो मैं करवा के रहूंगी, और वो भी अपनी पसंद की सुंदर और अमीर लड़की से। बस ये काम मुझे ऐसे करना होगा कि प्रतीक के पापा मुझ पर शक न करें। क्या हुआ? किसका फोन है? बार बार कट कर रही हूँ। क्रेडिट कार्ड वाले बार बार फोन कर रहे हैं, पीछे ही पड़ गए हैं। अगली बार उनका फोन आया ना तो मुझे दे देना, मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा। जी रोही बेटा आके बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। जी मम्मी। रोही बेटा मैं ना तुमसे खुल के बात नहीं कर पाया, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। हमारे परिवार की वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। अगर तुम सही वक्त पर उस गुरु माँ का सच बाहर नहीं लाती तो ना जाने वो क्या क्या करती। पापा जी आप मुझे ये सब कह के शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, और अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। घर में जो भी अनहोनियाँ हो रही थी उसे देखकर दादी जी और मम्मी जी बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्होंने गुरु माँ से पूजा करवाने का सोचा। हमने सबके महीने का खर्चा बांध दिया है और आप सभी लोगों को अब इसी में से अपना महीने का खर्चा चलाना होगा। हेलो गोपाला, 25,000 का इंतजाम करके रख, मैं लेने आ रहा हूं। हमें पता था गोपाला कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, इसीलिए हमने ये सब किया। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। गुरुमा ऐसे ढोंगी निकले कि ये तो कोई नहीं जानता था ना। बस बस बहुत होगी, जरा सा घर के लिए फर्ज क्या निभा दिया, उसके लिए इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अनार पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से बात हो गई, वो उसे ढूंढ रहे हैं पापा। ये नहार भी ना हर बात के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। कितनी बार कहा है तुमसे कि बार बार फोन मत किया करो। ए हटेली, मैं भी तो यही बोल रही है ना, मेरा पूरा पैसा दे दे, नहीं तो देख अभी तो अपना पोल खुला है, ज्यादा मच करेगी ना तो मैं तेरा पोल खोल देगी। नहीं तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। अग्नि को पैसों के लिए कौन परेशान कर रहा है? इसने किसी से कुछ कहा भी नहीं, एक बार मैं इससे बात करती हूँ। अग्नि तुम इतनी जल्दबाजी में इतने पैसे लेकर कहाँ जा रही हो?
सुबह भी तुम परेशान थी और तुम्हें फोन पर भी कोई पैसों के लिए परेशान कर रहा था ना। अदनी, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रोही, वो एक्चुअली सुबह ना मुझे पासपोर्ट ऑफिस से फोन आया था। मेरा ना अपॉइंटमेंट है आज, और एजेंट से मैं बनवा रही हूँ ना, तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। और हाँ, लौटते समय ना मैं शॉपिंग पे भी जाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा कैश लेके जा रही थी। अच्छा, मैं तो घबराई गई थी। थैंक्स एंड डोंट वरी, हाँ टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई बात होगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। ध्यान रखना। या बाय, टेक केयर। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। चलो अच्छा हुआ, परेशानी हल हो गई। मैं ना आरजी के लिए उनका मनपसंद खाना बना देती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। आशीष बेटा, मैंने आपको कितनी बार बोला है बॉल से बाहर खेलो, घर के अंदर नहीं। सॉरी मामी। इट्स ओके बेटा। आईडी तो अग्नि का है, शायद गलती से उसके बैग से गिर गया होगा। वो तो पासपोर्ट बनवाने जा रही है, तो शायद उसको इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक बार उसको कॉल कर लेती हूँ। अग्नि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद वो अभी बाहर ही होगी। आशीष बेटा, नानी को बता देना कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, ठीक है? ओके। अग्नि, 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 ऑटो भैया, भैया, भैया उस गाड़ी का पीछा करो ना। रोई नहीं थी, मैं तो डरी गई थी। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। थैंक यू। थैंक यू भैया। पासपोर्ट बनवाने के लिए नगर निगम के ऑफिस क्यों आई? हो सकता है किसी और डॉक्यूमेंट्स के लिए आई हो, लेकिन जो भी हो उसके लिए आईडी की जरूरत तो पड़ेगी। मैं देखकर आ जाती हूँ। हेलो, मैं आ गई हूँ। ऑफिस के पीछे आ जा। ऑफिस के पीछे? ओके।
अरे अग्नि कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। ये लो अपने पैसे और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ए चिकनी टिकट डॉट, अपन जिस शहर में कांड करती है ना, उधर 3 साल के बाद ही वापस आती है। या, वो ऑफिस के पीछे भी झाड़ू लगा देना। ऑफिस के पीछे भी कोई रास्ता है? कहीं अग्नि वहीं तो नहीं गई है? मैं एक बार देख लेती हूँ। अग्नि गुरुमा से बात कर रही है क्या? रूही, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन रूही मामी गई कहाँ? वो तो उन्हें नहीं पता। पता है नहीं? एक सेकंड। रूही बिना अजीब है, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। ये तुम्हारी मामी है ना, अच्छी खासी टेंशन देती है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9:30 बजे। नहार, ये लो। थैंक यू छोटी माँ। बेटा तुम टेंशन मत लो, रूही यही कही गई होगी, आ जाएगी। थैंक यू। अब एक सेकंड। हेलो, जी जी, क्या हो मम्मी, अब आप इतने टेंशन में क्यों हो? अभी बेटा उस गुरु माँ के चक्कर में हमने रूही के साथ कितना गलत किया, उस बात का अफसोस मेरे मन से जा ही नहीं रहा है। मम्मी, आपके इस गिल्ट को दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रूही बहुत खुश हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। अग्नि, वो तुम अपनी आईडी घर भूल आई थी तो मैं बस वही देने आई थी। वैसे ये कौन? ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपना पासपोर्ट एक एजेंट से बनवा रही हूँ, ये वही एजेंट है। ओह अच्छा, खैर ये लो तुम अपनी आईडी। या थैंक यू रूही, मैं चलती हूँ। या भैया, पीछे जाने का रास्ता कहाँ से है? गुरुमा कहाँ चले गए? खामखा मैंने अग्नि पर शक किया कि वो गुरुमा के साथ, पर क्या वो तो किसी और औरत के साथ थी? इस गुरुमा के धोखे ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया है कि उसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर वो औरत हमारे घर में क्यों आई थी? किसने भेजा था उसे? खाटू जी, अब इन सवालों के जवाब ढूंढने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे जानना है आखिर वो कौन है जो हमारे परिवार के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। I'm
गोइंग का हाउस। हटो यहाँ से। भैया रुको 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 भैया। तुम्हारे ही घर का सदस्य है। मेरे घर से कौन है? कौन है मुझे बताओ, बताओ मुझे।